દાહોદ જિલ્લાના સાંસદ જસવંત સિંહ ભાભોરના પ્રયત્નોથી ભારતીય રેલવે દ્વારા દાહોદ વડોદરા વચ્ચે નવી મેમુ ટ્રેન આજથી શરૂ કરવામાં આવશે। મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને રતલામ ડિવિઝનના દાહોદ સ્ટેશનથી વડોદરા સુધીની નવી ટ્રેન સેવા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે। આ મેમુ ટ્રેનનો વડોદરાથી રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન અને સાંસદ रंजन बेन भट्ट सहित अग्रणीओए लीली झंडी आपी प्रारंभ कराव्यो हतो। ज्यारे आ ट्रेन रतलाम डिविजनना विविध स्टेशनो थई दाहोद रेलवे स्टेशन पहोंची हती। दाहोद रेलवे स्टेशन खाते दाहोदना सांसद जसवंत सिंह भाभोर, धारासभ्य कन्हैया किशोरी सहितना अग्रणीओए ट्रेनना आगमननुं स्वागत कर्युं हतुं। वडोदरा ने दाहोद ए बंने भाई बहन जो संबंध छे, एक जदा नौकरी वाला ने परत नौकरी थी परत आवनार अपना वेपारी हो, नाना खेडूतो हो, विद्यार्थी हो, ये बधाई मांगने ध्यान में राखीने भारत ना रेलवे राज्यमंत्री दर्शनाबेने आज त्यांथी लीली झंडी आपीने ट्रेन में दाहोद में आपने स्वागत करी रह्या छे। आज के इस प्रोग्राम में एक नई मेमू का शुरुआत हुआ है, जो कि दाहोद से बड़ौदा के मध्य और बड़ौदा से दाहोद के में चलेगी। ये गाड़ियों का बहुत लंबे समय से यहाँ के सांसद प्रतिनिधि द्वारा प्लस अन्य जनमान प्रतिनिधिगण द्वारा मांग की गई थी, तो हम लोग काफ़ी समय से इसका प्रयास कर रहे थे। बट यहाँ के माननीय सांसद जी श्री जसवंत सिंह भाभोर जी के अथक प्रयासों से ये सफल हो पाया है। हमें एक नई रेख मिली है और उसके द्वारा ये नई डिस्टेंस का जो है एक कार्य पूर्ण हुआ है, जो कि यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ से करीब 18 स्टेशन हैं, जिसमें लोगों को आने जाने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी।